नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को तीसरी बार सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वहीं बुधवार को प्रांतीय अधिवेशन में नरेश पटेल को लगातार दूसरी बार सपा का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। सपा का यह अधिवेशन राजधानी के रामाबाई मैदान में हो रहा है। लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आपने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जब फिर से 5 साल के लिए मौका दे रहे हैं तो प्रयास रहेगा कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आए। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम इतिहास बनाएंगे। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। गाजियाबाद में एक फ्लाईओवर पर जन्मदिन की पार्टी और हंगामा करने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 8 लग्जरी कार भी जब्त की गई है। मामले को लेकर इंद्रपुरम पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कार के बोनट पर केक काटने और तेज संगीत बजाते हुए देखा गया था। साथ ही आरोपियों ने बदतमीजी ढंग से अपनी कार पार्क करके यातायात की आवाजाही में बाधा डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां से गुजर रहे अन्य यात्रियों के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कानपुर के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई। मौके पर मौजूदा लोगों ने आग लगाने की सूचना दमकल विभाग को तत्काल दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। कोचिंग में फंसे 20 बच्चों को बाहर निकाला गया। हादसा ग्लोबल एकेडमी कोचिंग सेंटर में हुआ। शहर के बर्रा के सचान चौराहे पर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था। बताया जा रहा है कि कोचिंग में इंजीनियरिंग संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही थी। आसपास के इलाकों के छात्र यहां पढ़ने आया करते थे। ये कोचिंग शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, छात्रों को सकुशल बाहर निकाला गया। अलीगढ़ के अल्दुआ फूड प्राइवेट लिमिटेड स्वाल्टर हाउस में कई गैस के रिसाव की घटना होने से एक के बाद एक काम कर रहे कर्मी बेहोश हो गए, जिनको आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज वो पहुंचे। मामले पर जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि अल्दुआ मीट फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम होता है। फैक्ट्री में अमोनिया गैस के लीकेज की सूचना मिली थी। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सभी की हालत स्थिर है। ये अल्दुआ मीट फैक्ट्री है और अल्दुआ मीट फैक्ट्री में पैकेजिंग का जो यूनिट है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करते थे उनमें अधिकांश महिलाएं थीं। अमोनिया गैस के पाइप के लीकेज के कारण कुछ लोग प्रारंभिक रूप से प्रभावित हुए थे अमोनिया गैस के लीकेज से, जिनको मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती करा के तुरंत उनका उपचार कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हमारे संपर्क में हैं, सभी खतरे से बाहर हैं। किसी को कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सभी की हालत सामान्य है। श्रावस्ती में एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने नेपाल बॉर्डर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित असनरिया चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही एसपी ने एसएसबी और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग के निर्देश दिए। सीतापुर में करंट लगने से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल घर के पंखे में बिजली का करंट आ रहा था जिसके चपेट में बेटा आ गया। बेटे को बचाने गई मां भी चपेट में आ गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर से घर में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गौड़ा में आईटीआई कॉलेज मनकापुर में टीचर पर अश्लील वीडियो भेजने का आरोप है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि टीचर ऑनलाइन क्लास ग्रुप पर अश्लील वीडियो भेजते हैं। जब छात्रों ने टीचर की हरकतों का विरोध किया तो आरोपी टीचर ने चरित प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। गाजीपुर में लापता बच्चों के परिजन पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनके दोनों बेटे 8 जुलाई से स्कूल से आते वक्त गायब हो गए थे। इनका आरोप है कि जमीनी विवाद में इनके दोनों बेटों को अगवा किया गया है, जिसके लिए थाने में
तहरीर भी दी गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं परिजनों का डर है कि उनके बच्चे मानव तस्करी के शिकार ना हो जाएं। ललितपुर के बिरथा ब्लॉक में खरीफ की फसल को लेकर किसान सभा होनी थी, जिसकी सूचना किसानों को दी गई, लेकिन 1 बजे तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया और ना ही किसान सभा में स्टॉल लगाया गया, जिसको लेकर किसानों और किसान नेताओं ने जमकर विरोध किया और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसान सभा का बहिष्कार करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। बुलंदशहर में फैसलाबाद निवासी पीएफआई सदस्य अब्दुल खालिद अंसारी को देर रात लखनऊ की एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अंसारी पिछले 14 सालों से सपा पार्टी में कार्यरत है और उसने पिछले 3 महीने पहले पीएफआई से इस्तीफा दिया था। अंसारी के बेटे उवैद ने बताया कि पुलिस ने बिना कारण बताए उनके पिता को गिरफ्तार किया। उनके पिता पीएफआई के सदस्य होने से पहले सपा पार्टी बीडीए सदस्य के साथ साथ अभी भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने तहसील सदर परिसर में बनाए गए ईवीएम गोदाम का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने गोदाम में संरक्षित ईवीएम वीवीपैट मशीन के रखरखाव के संबंध में जानकारी ली। साथ ही डीएम ने ईवीएम सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक के गांव में एक महिला की मौत हो गई। मौत के अगले दिन महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान स्थल पर ले जाना था, लेकिन गांव में शमशान स्थल पर पहुंचने का रास्ता तक नहीं था। ऐसे में शव यात्रा को लेकर 4 ग्रामीण गंदे नाले में उतरकर गंदे नाले से गुजरने के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने बताया कि शमशान घाट के रास्ते को कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा और बरसात के दिनों में लोग इसी नाले से गुजरकर शमशान तक आते जाते हैं। फिलहाल नाले के अंदर शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसको लेकर एसडीएम ने सुधार के निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती के ठगों पर पुलिस ने अपना सिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी लोगों के फर्जी कागजात बनाते थे, जिसका वो 1 से 2 लाख रुपए लेते थे। आरोपी के पास से पुलिस ने 2,35,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने शातिर अपराधियों के गुट को गिरफ्तार किया, जो प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करते थे और चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। इसके लिए ये आरोपी भूमाफियाओं से मोटा पैसा लिया करते थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने अंकिता हत्याकांड पर कहा कि दोषियों के साथ ही दोषियों को बचाने के हथकंडे अपनाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। गढ़वाल सांसद ने कहा कि रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब रिजॉर्ट को सील किया गया था तो उस पर बुलडोजर कैसे चलवा दिया गया। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने विनोद आर्य को भी पुलिस रिमांड में लेने की बात कही है। लेकिन जिस प्रकार का बयानबाजी और जिस तरह से लोगों को और उत्तेजना विनोद आर्य जी ने जिस तरह लोगों ने कहा कैसा सा, तो निश्चित है, मैंने कहा ना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं। देखिए मेरा अलग है, चाहे मेरी पार्टी किसी पार्टी की कोई भी या सामान्य जन सामान्य कोई भी गड़बड़ करता है, गलत करता है, तो वो माफ करने लायक नहीं है। और बेटा यदि कोई कहता कि मेरा बेटा बढ़िया, अरे बेटे पे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, कहाँ से ठीक हो गया, कहाँ ठीक हो गया हो। इसलिए यदि ऐसा कहने वाले है तो अच्छा नहीं है, वो स्वयं में गिरेंगे। योगी सुभाष मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जो कह रहे हैं, इससे क्या वाकई ये तय हो जाता है कि दाल में कुछ काला है? जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है। जिस तरीके से आज पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, वो अंकिता भंडारी के घर पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तो कहा जा सकता है कि लगातार सरकार ये बात जरूर कह रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी एसटीआरएफ और तमाम जो पुलिस बल हैं वो बेहतर तरीके से इस पूरे केस को देख रही है और फास्ट्रैक कोर्ट में इस मामले को भी ले जाकर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई। ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार जरूर
इस मामले को लेकर तेजी में नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से अंकिता भंडारी के घर तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, चाहे वो सरकार के हों या फिर विपक्ष के, तमाम लोग उनके घर में जा रहे हैं, उन लोगों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एकाएक आरएसएस के कई नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, फिर कई ट्वीट्स आ रहे हैं, और लगातार ये भी कहा जा सकता है कि अंकिता भंडारी के मामले पर लेकर राजनीति भी उत्तराखंड में तेज होती हुई नजर आ रही, तो अब इंतजार रहेगा कि किस तरीके से कोर्ट इस पूरे मामले को लेता है। और जैसे कि राज्य सरकार भी कह रही है फास्टेस्ट कोर्ट के जरिए इस पूरे केस को चलाया जाएगा, यानी कि जो दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी, उसके लिए पैरवी राज्य सरकार करेगी। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो नेता हैं वो बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब इंतजार रहेगा कोर्ट पर कि आखिरकार कोर्ट किस तरीके के नतीजा देता है। जी ठीक है, सुभाष शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पहुंचे और अंकिता के परिवार से मिले हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से रिजॉर्ट सील था तो उस पर बुलडोजर क्यों चलवाया गया। इसके अलावा तमाम सवाल उन्होंने किए हैं जिसके जवाब हर कोई जानना चाहता है। पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ छात्रों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिलाधिकारी को बदलने तक की मांग कर डाली है। इस मौके पर वक्ताओं ने जिलाधिकारी से अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के नाम का खुलासा करने की मांग की। प्रदर्शनकारी पूनम केतरा ने कहा कि मामले को कई दिन बीत जाने के बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक मुकदमा दायर नहीं हो पाया और न ही संदेह के घेरे में आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।